हेलो दोस्तों, ये पेश है एक मार्वल कॉमिक्स, बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास है। डेयर डेविल की कॉमिक्स है, फॉल फ्रॉम ग्रेस चैप्टर 2। इसकी एक बहुत ख़ास बात है, वो मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले, ये जो आर्टवर्क है आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये एस्ट है, यानी आप उंगली से इसको फील कर सकते हैं। ये रेड वाले को छोड़कर, इसमें जो स्टोरी लाइन है उसमें एक डेमन होता है जो कि डेयर डेविल का जो रडार है, डेयर डेविल ब्लाइंड है, लेकिन वो उसका जो सेंस है उससे वो देख सकता है। उस रडार को ये जो डेविल है या ये जो कैरेक्टर है वो स्किप कर सकता है, यानी कि उसमें पकड़ में नहीं आता है। तो ये जो कवर है ये बहुत ख़ास है। अब मैं ये बताता हूँ ये ख़ास आखिर क्यों है। पहला तो ये कि 90s का है ये कॉमिक्स, उस बहुत पुराना है। एच्ड है, अपने तरीके का एक अलग लुक आता है, एक फील आता है। ऐसा कॉमिक्स कवर इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता है। और जो अभी ख़ास बात मैं बताने वाला हूँ वो जानने के बाद तो एकदम श्योर है कि वो वैसी चीज़ इंडिया में अभी तक कॉमिक्स में प्रोड्यूस नहीं की गई है। तो ये जो कॉमिक्स है, डेयर डेविल वॉल्यूम 1, 321 नंबर, अक्टूबर 1993 का ये प्रिंट है। ये उस समय आया था और ऑब्वियसली फर्स्ट एडिशन है। इसमें एक और ख़ास बात है, ये यूनिसेफ का अवार्ड एक मिलते हुए पिक्चर है इसके अंदर। तो जैसा मैंने कहा, इसमें एक बहुत ख़ास बात है, वो जो स्टोरी लाइन है जो स्किप कर जाता है डेविल, उसका कवर से रिलेशन ये है कि ये जो कवर है ये ग्लो करता है। आप जब इसको अंधेरे में देखेंगे तो वो जो डेमन है रेड कलर में जो बना हुआ है वो शेडो की तरह दिखेगा आपको, और बाकी जो आर्टवर्क है वो ब्लैक एंड वाइट जो दिख रहा है वो ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो यानी कि वो डायमंड जो है वो स्किप कर गया। तो जो कवर है वो डायरेक्ट स्टोरी लाइन से लिंक्ड है। तो ये पूरा कवर आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में एक सैम्पल दिखाऊंगा मैं इसका कि किस तरीके से ये अंधेरे में ग्लो करता है। तो ये बहुत ही कलेक्टिबल है, चलिए देखते हैं कैसे ये ग्लो करता है। मैं लाइट अप करूँगा और ये एक पल के लिए ग्लो करेगा क्योंकि कैमरा है, असली आंखों से ये बहुत देर तक दिखता है। ये इंडियन कलेक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही नायाब चीज़ होगी और यूनिक चीज़ होगी। देखिए, ग्लो किया, स्पीचलेस, एकदम स्पीचलेस।